भैया मुझे एक मदद चाहिए। बोलो, पैसे चाहिए क्या? अब तो मैं काम कर रही हूँ, पैसे मांगूंगी क्या? मेरे ऑफिस में ना एक पार्टी है और सब लोगों को घर से एक एक डिश लेकर जानी है। ठीक है, तुमको क्या लेकर जाना है? बढ़िया सी शक्कर पोंगल, वो भी 12 लोगों के लिए। कब चाहिए? कल शाम ठीक 7 बजे। ठीक है, ऑफिस जाने से पहले तुम्हें मिल जाएगा। थैंक यू। श्रुति। हाँ भैया। तुम्हारे बारे में कुछ लोग बात कर रहे थे कि। क्या बात कर रहे थे और कौन लोग? तुम आजकल ऑफिस से बहुत लेट आती हो, इसलिए माँ बहुत परेशान रहती है। सारा टाइम तो काम में निकल जाता है, बाद में थोड़ी देर के लिए घूमने चली जाती हूँ, इसमें क्या है? मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, तुम इसी तरह से अगर लेट आओगी तो घर के लोग सभी परेशान होंगे कि नहीं होंगे, ये गलत है ना? और इतना ही नहीं, तुम्हें ऑफिस से घर लेट आते समय हर रोज तुम्हें कोई ड्रॉप भी करता है। इसमें क्या गलत है गणेश भैया? जिसे जानते नहीं उस इंसान के ऑटो से ज्यादा साथ काम करने वाले एक दोस्त की बाइक पर आना सेफ है ना? घर के लोग ऐसी बातें करें तो समझ में आता है, पर आप भी ऐसा सोचोगे क्या भैया? मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, तुम लिफ्ट लेकर ही आ रही हो वो मैं समझता हूँ, लेकिन आसपास के लोग। कौन आसपास के लोग? आसपास के लोगों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़ना चाहिए क्या? उनको बोलने का हक दिया ही किसने? बात सुनो भैया, श्रुति जैसी है वैसी रहेगी, ठीक है?